क्लीविज एंड इट्स पैटर्नस पर्स द कॉन्टेंट्स होलो ब्लास्टिक क्लीविज मीरो ब्लास्टिकविज और स्पायरल क्लीविज एंड द रेडियल क्लीविच अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो क्लिविज है उसको कौन कौन चीज़ें इफेक्ट करते हैं उसके बाद हम इसके टाइप्स जो है उसको डिस्कस करते हैं नंबर वन एक तो है अमाउंट ऑफ जोक जो है कि अमाउंट ऑफ जोक जिस तरह से ज़्यादा होती है वहाँ आमतौर तो पर क्लविज का पैटर्न स्लो होता है क्लीविज मीन सेल डिवीजन दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो स्पिंडल फाइबर्स की ओरिएंटेशन है वो जिस तरह से ओरिएट होगी उसका आपको पता है कि जो सेल डिवीजन होती है अगर स्पिंडल फाइबर जो है तो सेल डिवीजन यहाँ इस तरह से होना है यानी कि उसके जो वो रेक्टेंगुलर पोजीशन के ऊपर होती है तो अगर स्पिंडल फाइबर स्लाइटली टिल्टेड हैं तो इसके मतलब अंदर सेल डिवीजन जो थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में होगी अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो सेल डिवीजन भी क्या होंगे कि रेक्टेंगुलर होंगे तो इस तरह से दो चीज़ें जो इफेक्ट कर रही हैं अमाउंट ऑफ योग एंड सेकेंड वन द ओरियंटेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अच्छा इसी दो के लिहाज से ही हमने इसकी दो अगर हम देखें अमाउंट ऑफ योग के लिहाज से दो तरह की जो क्लीविज हमें मिलती हैं क्लीविज पैटर्न मिलते हैं अगर अमाउंट ऑफ योग बहुत कम है तो होलो प्लास्टिक और अगर अमाउंट ऑफ योग ज़्यादा है तो मीरो प्लास्टिक है होलो प्लास्टिक क्लीविज में नॉर्मली अगर हम इसके डेफिनेशन देखेंगे इट्स अ टाइप ऑफ क्लीविज इन विच द एग आर द सेल इट डिवाइड्स कंप्लीटली इनटू टू सेल्स कंप्लीटली दो सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे इट इज अ होलो होलोब्लास्टिक होलो नॉर्मली टेक्स प्लेस इन दो सेल्स विच हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ योग आर मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग जिनके एग में बहुत कम अमाउंट ऑफ योग जो है वो मौजूद जैसे अकाइनोडर्म्स हैं अकाइनोडर्म्स के एग्स में बहुत कम अमाउंट ऑफ योग मौजूद है इस जैसे मेमल्स हैं मैमल्स जो है इनके एग में भी अमाउंट ऑफ योग बहुत कम है वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ योग है तो इनके जब सेल डिवीजन होगी जयगोड जब डिवाइड करेगा तो कम्प्लीटली एक सेल से दो सेल दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें अमाउंट ऑफ योग थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद क्या करते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं जैसे एम्फीबियंस के एग्स हैं एम्फीबियंस मिजोलैसीथल एग रखते हैं यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है लेकिन इसमें भी जो है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगी यह आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली जो रो है इसमें आपको वेरी लिटल अमाउंट ऑफ योग के साथ जो एक नजर आ रहा है जिसमें हमारे पास ये माइक्रोलेथलेग है अब इसको देखें नंबर टू पोजिशन के ऊपर जैसे क्लीवेज हुई है वन सेल इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू टू सेल्स फिर टू से फोर देन फोर से एट सेल्स तो आप देख रहे हैं कि सेल्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज अ होलो ब्लास्टिक क्लीविज होलो का मतलब ये होता है कंप्लीटली ब्लास्टिकट डिवाइड कर जाना इसका सेकेंड अगर आप देखें ये जो नीचे डायग्राम है दिस इज अबाउट द मीजोलेसिथल एग्स वो एग्स जिनके अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है जिनमें एम्फीबियंस आ जाते हैं इसमें भी आप देख रहे हैं कि सेल डिवीजन मीजोलेसिथल एग्स में भी कंप्लीट सेल डिवीजन है आल दो जो लोअर एंड है यहाँ सेल डिवीजन थोड़ी स्लो है लेकिन फिर भी सेल्स कंप्लीटली क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है वो दो सेल्स बना रहा है जो बड़े साइज के हैं बड़े साइज होने का मतलब है कि यहाँ योग की अमाउंट ज्यादा है तो आइसोलेसिथल और एमिजोलैसीथल दोनों टाइप्स के जो एग्स हैं शो होलोब्लास्टिक क्लेविच मीरोब्लास्टिक क्लेविच मीरोब्लास्टिक क्लेविच इज अ टाइप ऑफ क्लेविज इन विच द एग इज नॉल कंप्लीटली डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स कि जब सेल डिवीजन होगी तो कंप्लीटली एक सेल को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करेगी यानी एम्ब्रोनिक डिवेलपमेंट में जाइगोट की जब डिवीजन होगी तो साइगोट का वो हिस्सा जहां साइटोपाल ज्यादा वो डिवाइड कर जाएगा जहां योक ज्यादा है वो डिवाइड नहीं करता है तो ऐसी क्लीवेज को हम क्या कहेंगे अ मिरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो क्लीवेज टू लार्ज अमाउंट ऑफ जोक लार्ज अमाउंट ऑफ जोक की वजह से होती है और इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास द क्लीवेज इन या कह सकते हैं कि जो द क्लीवेज इन दाइगोट ऑफ रेप्टाइल एंड द बर्ड्स यहां आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम दिस इज द एग सेकेंड स्टेज के ऊपर हमें सेल डिवीजन नजर आ रही है लेकिन सेल डिवीजन सिर्फ टॉप के एंड यहाँ तक आ रही है यहाँ से नीचे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही है क्योंकि इट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ योक मौजूद है यहाँ उसके बाद फर्दर सेल डिवीजन जितनी भी हैं वो सारी सारी एक तरफ हो रही हैं बाकी एरिया के अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रही हैं तो सच टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें सेल कम्पलीटली डिवाइड नहीं करेगा बल्कि सेल डिवीजन किसी एक एरिया में कंसनट्रेट रहेंगी दे आर कॉल्ड द मीरो क्लीवेज उसका हम मीरो क्लीवेज कहेंगे स्पाइरल क्लीवेज अच्छा ये वो क्लीवेज है जिसमें आमतौर तो पर जब सेल डिवाइड करते हैं तो सेल्स डिफरेंट रोज बनाते हैं टायर्स बनाते हैं अगर नीचे वाले सेल्स और ऊपर वाले सेल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ना हो तो हम इसको कहते हैं ये स्पायरल क्लीवेज है यानी सेल थोड़े से क्या आते हैं टिल्टेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं इस एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो प्रोटोस्टोम्स हैं प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो है वो स्पायरल क्लीवेज होती है रेडियल क्लीवेज में प्रोटो इसका स्पायरल क्लीविज का थोड़ा सा अपोजिट है यानी कि रेडियल क्लीवेज में जो सेल्स के टायर्स हैं नीचे वाले सेल के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर ऊपर वाला सेल मौजूद है तो नीचे वाली रो के बिल्कुल एग्जैक्टली exactly ऊपर वाले सेल की रो जो है वो मौजूद होती है एक सेल एग्जैक्टली exactly दूसरे सेल्स के ऊपर जो है वो मौजूद होता है तो इस तरह की हम क्लीवेज को जो है वो रेडियल क्लीवेज कहते हैं ये दोनों जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज हैं ये ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स हैं डायग्राम में आप देख सकते हैं ये टॉप पे हमें रेडियल क्लीवेज नजर आ रही है आप यहां से इसको फोकस करें अगर आप इसको और से देखें तो लोअर सेल्स नीचे वाला सेल एग्जैक्टली ऊपर वाले सेल के ऊपर मौजूद है ऊपर वाला नीचे वाले के बिल्कुल ऊपर मौजूद है इससे यहाँ भी अपर सेल बिल्कुल नीचे वाले के एग्जैक्टली ऊपर मौजूद है अगर आप बिल्कुल इससे नीचे वाले डायग्राम देखें इस सेल के ऊपर जो सेल है वो थोड़ा सा टिल्टेड है उसकी पोजीशन एग्जैक्टली exactly वो नहीं है जो बिल्कुल इसके टॉप पर हो तो इस तरह की क्लीवेज जिसमें नीचे वाले सेल और ऊपर वाले सेल बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम लाइन पर नहीं होते हैं इसको हम कहेंगे इट इज अ रेडियल स्पायरल क्लीवेज जबकि अगर बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है तो हम इसको रेडियल क्लीवेज का नाम देंगे रेडियल क्लीवेज आमतौर तो पर ड्यूटेरोस्टोम्स तो के अंदर होती है जबकि स्पायरल क्लीवेज प्रोटोस्टोम का करक्ट्रिस्टिक्ट है